All the muscles have the following special properties except, okay, इसका आंसर आएगा ऑटोरिदमिसिटी. देखो कैसे सभी जो मसल्स होती है वो एक्साइटेबिलिटी शो करती है. एक्साइटेबिलिटी का मीन जैसे ही उनको स्टिमुलस मिलता है दे गेट डीपोलराइज्ड. गॉट इट और नॉट? सो एक्साइट हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है एक्साइटेबिलिटी. एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब एक्सटेंड हो जाती है. कैसे? जैसे यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर अगर यूरिन भरता जा रहा है भरता जा रहा है भरता जा रहा है तो वो क्या हो जाती है? एक्सटेंड हो जाती है जिससे कि यूरिन उसके अंदर प्रॉपरली फिल हो सके. उसको बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी. कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन. ऐसे एच जोन का ओवरलैप, एच जोन का गायब होना, एक्टिन का ओवरलैपिंग होना, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन होना, स्लाइडिंग होना, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी. एंड ऑटोरिदमिसिटी, ऑटोरिदमिसिटी जो होता है ना वो होता है जैसे कि अपने कार्डिक मसल्स में होता है. कार्डिक मसल्स में ऐसे नोड जो है एवी नोड है वो ऑटो एक्साइटेबल है ना. ऑटो मतलब सेल्फ, वो उनके अंदर डीपोलराइजेशन जनरेट होता है, सेल्फ इम्पल्स जनरेट होता है. तो ये सभी मसल्स के अंदर नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, बिल्कुल एक स्पेशल प्रॉपर्टी के रूप में जो है उसको अलग कर देते हैं. हम सारी मसल्स जो है वो एक्साइट होती हैं, एक्सटेंड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, बट ऑटो रिदमिसिटी सेल्फ एक्साइट होकर के सेल्फ उसको मेंटेन करना अपने फ्लो को, इम्पल्स के फ्लो को, वो केवल कार्डिक मसल में एसए नोड, एवी नोड और पुरकेंजी फाइबर बंडल ऑफ इसके द्वारा ही होता है. नेक्स्ट,